फ्रेंड्स, मैं हूँ हितेश मुलिया, आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ एचएम ब्लॉग्स में। तो आज हम चोटीला, जो कि गुजरात का सुप्रसिद्ध यात्रा धाम है, उसकी एक दिन की टूर करेंगे। राजकोट अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर जो पड़ता है और सुरेंद्रनगर से तकरीबन 16 किलोमीटर का दूरी पर चोटीला है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जहाँ से चोटीला डूंगर की जो चढ़ाई शुरू होती है वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। उसके आसपास ढेर सारी दुकान है जहाँ से आप प्रसाद आदि सामग्री खरीद सकते हैं। बहुत सुप्रसिद्ध यात्रा धाम है ये गुजरात का। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जहाँ से चोटीला डूंगर की जो चढ़ाई शुरू होती है वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसकी जो ऊंचाई है वो 358 मीटर यानी 1175 फुट के तकरीबन होता है। और यदि सीढ़ियों की बात करें तो 900 से 1000 तक की सीढ़ियाँ यहाँ पर है। और जो आसपास में नीचे आप दुकानें दिखाई देती है वो सब आप वहाँ से माता जी की सुंदरी प्रसादी यानी सामग्री खरीद सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने चढ़ाई शुरू कर दी है, कि हमारा बच्चा बहुत उत्साह से आगे बढ़ रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको वर्चुअली टूर कराते हैं, दर्शन कराते हैं। फ्रेंड्स, देखिए। हाय गाइस, देखो ये चोटीला डूंगर गुजरात का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल्स इन गुजरात। लगभग 900 से 1000 तक सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी आराम से आप चढ़ सकते हैं। और ऊपर देख सकते हैं आपको छाते भी डाले हुए हैं, बारिश के सीजन में भी आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हमने चढ़ाई स्टार्ट की है, बनी रही हमारे साथ, हम आपको दर्शन कराते हैं चोटीला श्री चामुन माता के। है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लगभग 200 से 250 सीढ़ियाँ हम चढ़ चुके हैं। और डूंगर के बीचों बीच में अभी हम जा पहुँचे। आप वहाँ से पूरे जो डूंगर से नीचे का नज़ारा है उसे देख सकते हैं। देखिए आप, हम शाम के वक्त गए थे तो जब लाइटें चलती है काफ़ी बढ़िया नज़ारा दिखता है। और उस वक्त थोड़ी कोविड की रिस्ट्रिक्शन भी थी, तो आप देख सकते हैं बहुत भीड़ नहीं है। इसी सीढ़ियों पे आप रेगुलर दिनों में जाइए तो आपको चलने की भी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ी भीड़ कम थी। बहुत मज़ा आया। धीरे धीरे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। सीढ़ियाँ काफ़ी स्टीप है तो थक जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बैठना पड़ता है। और ऊपर से आप व्यू देखिए फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं अब हम वो जगह पर पहुंच गए जहाँ से तकरीबन 50 से 60 सीढ़ियाँ बाकी है, और हम कर सकते हैं फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ माता रानी। तो यहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ के अब देख सकते हैं कि चामुंड माँ के दरबार में पहुंच गए हैं, और ये उसका जो चाचा चौक बोला जाता है वो है। यहाँ से हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और आप भी हमारे साथ दर्शन करिए गुजरात के सुप्रसिद्ध यात्राधाम चोटीला के। लीजिए दर्शन कीजिए। आप देख सकते हैं हमने अच्छे से माता रानी के दर्शन किए, और अब वापस डूंगर से सीढ़ियाँ नीचे उतरते हुए हम वापस घर की ओर जा रहे हैं। माँ चामुंडा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसे आशीर्वाद के साथ बने रहिए, हमारा ब्लॉग देखते रहिए, और पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।